तो चलिए शुरू करते हैं। देखो प्लूटो आज सुबह सुबह ही उठ गया है और देखो ये कितना अच्छा बच्चा है। हम ऊपर छत पर आ गए हैं, देखो अंगड़ाई ले रहा है प्लूटो। दादी आई है प्लूटो को जैकेट पहनाने के लिए। देखो देखो ये पहन नहीं रहा है जैकेट को, ये ऐसी करता है, बहुत परेशान करता है। देखो 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 देखो, देखो बदतमीजी शुरू हो गई है इसकी। ये बहुत किलसता है, बहुत किलसता है जैकेट से, बहुत ज़्यादा किलसता है। मान जा प्लूटो, मान जा भाई। तो पकड़ के पहनानी पड़ेगी, पकड़ लिया है मैंने। दादी पहना रही है इसको आराम से, बहुत उल्टे काम करता है बहुत। इसकी चोट तो सही है पहले से। ये पहना दी जैकेट, देखो जैकेट पहन के कैसे लग रहा है ये। थोड़ी देरी हुई है, जैकेट वैकेट निकाल के घूम रहा है, पता नहीं कहाँ पे फेंक के आया है जैकेट को। ये बहुत ही ज़्यादा किलसता है जैकेट को। देखो इधर पता नहीं क्या देख रहा है। देखो ये है हमारे, इसकी क्रश है मोहल्ले की, लूटो की। दोनों पपीज भी आ गए हैं घूमने, देखो कैसे घूम रहे हैं। देखो ये है जो प्लूटो को डराता है, ये बहुत ही तेज पपी है, इससे प्लूटो डरता है। देखो कितना शैतान है। देखो मैं पपीज की माँ को लेकर आया हूँ मोहल्ले में से, क्योंकि यार अभी छोटे हैं ना ये, तो इनसे मिलवाता हूँ इसको सुबह शाम डेली। अपनी माँ को आते ही देखो ये दोनों कैसे दूध पी रहे हैं। देखो इधर दादी अपनी हुक्की पी रही हैं। देखो एक दादी की कैसी हुक्की है, ले आ जाओ। देखना कितने प्यारे से हैं दोनों के दोनों ही। ले वो प्लूटो आ गया, प्लूटो आ गया। प्लूटो जब मैंने प्यार करता हूँ तो किलस जाता है बहुत ज़्यादा। देखो अपना प्यार दिखा रहा है, इसलिए ही दिखा रहा है क्योंकि मैं उनको प्यार कर रहा हूँ ना, तो ये अपना प्यार दिखा रहा है। बहुत किलसता है जब मैं अगर उनको प्यार करता हूँ तो। इन सबको खाना दिया है, आराम से खा के अपने आराम से मौज लेंगे, फिर दोपहर भर खूब घूमेंगे। प्लूटो को भी खाना खिला रहा हूँ, ये भी भूखा है बेचारा। मुझे ना जब से पपी लाया हूँ तो पूरे घर में इस तरह से ये लगाने पड़े हैं, क्योंकि पपी ना ये छोटे से हैं, इनको पता नहीं है ये बाहर गिर जाएंगे, नीचे गिर के मर जाएंगे, तो मैंने इस तरह से लगा दिया जिससे कि ये पपी नीचे ना गिर पाए। कपड़ा बिछा रखा है लेकिन सोना साइड में है, देखो कैसे सो रहे हैं। साइड में कपड़े पर नहीं सोना, साइड में सोना है, अलग ही है भाई। अब चल रहे हैं डॉग्स को खाना खिलाने। देखो ये डेली घर में घुस जाते हैं मेरे, ये बाहर का थोड़ा सा डोर खोल के अंदर ही आ जाते हैं। देखो कितने खुश हो रहे हैं, अब मुझे देख के तो खुश हो जाते हैं। आज तो बस पांच ही नज़र आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ पे चले गए बेचारे। चलो इनकी मौज आ गई आज। देखो प्लूटो कितनी दूर है वहाँ पे, छत से छत जाके कूद रहा है वहाँ पे। इन्होंने तो सबने खाना खा लिया, अब हम भी खाते हैं। ये रहा हमारा गर्मा गर्म खाना भाई। खाने में बनी है दाल, मट्ठा, रोटी। अभी खाना खाकर आकर देख रहा हूँ तो देखो ये प्लूटो क्या कर रहा है, इसको खुजली हो रही है ये। देखो और दीवार के साथ ही ऐसे अपनी खुजली को मिटाता है, पता नहीं यार पूरी। देखो दीवार पे लाइन बना दी है इसने। और ना जब से मैं पपीस को लेके आया हूँ और पपीस की माँ आती है ना घर, तो तब से इसको खुजली लग गई, क्योंकि पपीस की माँ को खुजली है। मैंने दवाई भी दी है तो उसे आराम नहीं पड़ रहा है, इसको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे पकड़ के इसको भी। अब बना रहा हूँ मैं पपीस के लिए कपड़े, पता नहीं यार कैसे बनेंगे। मैंने तो ये इस तरह से काट दिया ऐसे ही, फिर मैं दूसरा काटूंगा। तो ये मैंने दोनों काट दिए, इनके अंदर ऐसे छेद कर दिए मैंने। अब इन पपीज के पास जाते हैं, इनको पहनाते हैं। देखो पपीज को मैंने पहना दिए हैं, वैसे अच्छे तो लग रहे हैं, अब पता नहीं चलेंगे नहीं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया नहीं है कपड़े, बढ़िया बन गए, मस्त वाले कपड़े बन गए। देखो कैसे घूम रहे हैं दोनों के दोनों। अभी इनको बुरा लग रहा है कि क्या पहना दिया, ये तो कपड़े पहन के अपनी माँ को दिखाने आया है। ये वही है शैतान बच्चा जो प्लूटो को डरा के रखता है, बहुत तेज है। मैं जा रहा हूँ ट्रैक्टर लेकर खाद लेने। दोस्तों देखो एक पहले गाय लोग पाल लेते हैं फिर इनको छोड़ देते हैं बेचारी। ये नए वाला हाईवे है हमारे इधर, ये नया बना, बहुत ज़्यादा चलता है ये, इससे ही होते हुए जा रहा हूँ आज मैं। देखो हम मील पर पहुंच चुके हैं, यहाँ का सबसे बड़ा मील है सिंभावली मील, बहुत बड़ा है ये। देखो आप बोर्ड पे पढ़ सकते हो सिंभोली शुगर लिमिटेड सिंभोली। ये सब लोग यहाँ ऐसे गन्ने ले जाते हैं, देखो कितने गन्ना जा रहा है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहाँ खाद मिलेगा, देखो कितनी बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है।
यहाँ पे अब पर्ची वर्ची कटवा लेते हैं। देखो ये जेसीबी मशीन ट्रैक्टर में खाद भर रही है। एक खाद होता है, एक गन्ने मतलब गन्ने का जो गन्ने से चीनी बनती है ना, जो उसका वेस्टेज होता है ये वो होता है, उसको हम खेतों में डालते हैं। ये ऑर्गेनिक होता है बिल्कुल। देखो कैसे धुआं सा उठ रहा है इस खाद में से, क्योंकि तो ये गरम गरम लाते हैं ना, मतलब गरम होता है ये, अगर इसको हाथ लगाएंगे तो गरम होता है ये, इसलिए इसी पर सुबह सुबह में से धुआं सा उठ रहा है। खाद भर चुका है हमारा, अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। देखो ये फैक्ट्री से कितना धुआं निकलता रहता है हर टाइम, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मतलब यहाँ के 50-60 गांव का गन्ना इस फैक्ट्री में गिरता है। देखो सामने ट्रेन जा रही है, फाटक बंद मिलेंगे, थोड़ा आराम आराम से ही चलाता हूँ। तो मैं हाईवे पे पहुँचा हूँ तो मैंने देखा, देखो ये मतलब ये हॉर्स है, ये घोड़ा हाईवे के बीच में फंस चुका है, मतलब पुल के ऊपर है ये, इसको कोई टक्कर मार देगा। इसको मैं साइड में करने जा रहा हूँ, जैसे मैं भाग रहा हूँ तो ये और भाग रहा है आगे को। इस बेचारे की आँख में भी चोट लग रही है, तो साइड में कर दूंगा तो ये बच तो जाएगा, वरना कोई भी इसको ट्रक वाला कार वाला मार के चला जाएगा। ये मतलब ऊपर पुल पे फंस गया था, पुल के बीच में, ये पुल कम से कम 4 किलोमीटर लंबा है, बीच में फंस जाता पुल के तो मतलब बहुत ही मुश्किल से निकल पाता, यहाँ पे कुछ खाने को तो है नहीं है। ये पुल से नीचे तो अब उतर गया है, मैं ट्रैक्टर से बहुत दूर आ गया हूँ। देखो वो खड़ा ट्रैक्टर, इतनी दूर जाना है, देखो अभी भी बहुत दूर है, बहुत दूर आ चुका हूँ मैं ट्रैक्टर से। पहुँच गए आखिर हम अपने ट्रैक्टर के पास, चलो अब चलते हैं सीधे खेत पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो सामने भूरू बैठा हुआ मिला है, भूरू उठ के चल दिया मुझे देखते ही, मेरे आगे आगे जाता है, ये ट्रैक्टर के आगे आगे चलता है, पता नहीं क्या मज़ा आता है इसे ट्रैक्टर के आगे आगे चलने में, काली एकदम से आती है मेरे लिए, देखो कैसे पूंछ हिलाती हुई आती है, हे, बहुत खुश हो जाती है मुझे देखते ही। काली खाद डालकर मैं खेत जोत रहा हूँ। देखो आज आपको अपने एम्प्लॉयज बगलों से मिलवाऊँ, देखो कितने सारे लोग काम करते हैं मेरे लिए, मेरी पूरी टीम है, देखो कितने सारे बगले हैं, ये मेरी पूरी टीम है, ये मेरे साथ ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं। तो मैं घर जा ही रहा था, देखो ये सामने क्या है, देखो मैं जूम करता हूँ, देखो ये क्या है, ये हिरन है, हिरन हिरन शायद अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ये हिरन है ये। आज तो घर आते हुए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, इसलिए ट्रैक्टर की लाइट जलानी पड़ी है। वैसे गांव में घुस गए हैं, बस 5 मिनट में ही घर पहुंच जाएंगे। हमारे गांव में मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, देखो आप देख सकते हो कितने पेड़ हैं, बढ़िया है यार हमारा गांव। बस घर के पास पहुंच गया हूँ मैं, बस और 10-1 मिनट का रास्ता है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठंड लग रही है मुझे ट्रैक्टर चलाते हुए, आज का पूरा दिन ही ऐसा चला गया, पहले खाद लाया हूँ तो लेट हो गया। हम आ गए हैं घर, ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं, ये ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, चलो घर। घर आकर अब इनको खाना खिला रहा हूँ, प्लूटो भी खाना खा रहा है, ले 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 ले, प्लूटो का मत ले, अपना खा, ले खा, हाँ तो प्लूटो वहाँ अपना खा रहा है, ये अपना खा रहा है। दूसरा पपी कहाँ है, दूसरा पपी कहाँ है, दूसरा पपी कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ये बेचारा शरीफ है, मतलब वो तो दूसरे वाला बहुत तेज है, ये सही है बिच। अभी खाना खाओ भाई, खाना खाओ, मस्त खाना खा रहे हैं सब, बस मैं ही रह गया हूँ खाने को। ओ भाई अपना खा, ओ भाई अपना खा यार, ये नहीं मानता, ये नहीं मानता, अपना नहीं खाने का, वहाँ खाएगा प्लूटो के साथ। खाना हो गया है फिनिश, प्लूटो ने तो कर दिया फिनिश और इन्होंने भी कर दिया फिनिश। देखो प्लूटो कैसे देख रहा है, इनको ही देख रहा है, क्या दिख गया प्लूटो, क्या दिख गया भाई,
देख रहा है प्लूटो? बंदर 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 भगा क्या भगा क्या। मैं बना रहा हूँ पपीज का घर, देखो ये मिला है मुझे अपने घर, और मैंने ये थर्माकोल के ये ले लिए, और अंदर डालने के लिए हम घुस गए हैं अपने तहखाने में, और यहाँ से ये ले ली बोरी। दोस्तों काफी मेहनत के बाद मैंने कुछ इस तरह से घर बनाया है, कैसा लग रहा है? मैं पपी को लाके इनमें बैठा दिया है मैंने, दोनों पपीज को, देखो तो आराम से बैठे हैं ये तो मजे से बिल्कुल। ये पूरी मौज आ रही है, सही नहीं लग रहा देखने में? देखो आप भी देखो, सही लग रहा है यार मुझे तो। अपने बिल्कुल बेड के साइड में बनाया है, देखो मैंने, ये रहा मेरा बेड, ये बिल्कुल साइड में यहाँ पे रहेंगे बिल्कुल सेफ, और ये यहाँ पे हमारे प्लूटो रहता ही है सोफे पे अपने, तो ठंड लग रही होगी। फिर मुझे याद आता है शाम हो चुकी है और डॉग्स को खाना खिला के आया नहीं हूँ मैं, डॉग्स को खाना खिलाने चल रहे हैं प्लूटो, चलो भाई चलो चलो, बेचारे डॉग्स भूखे हैं सब, इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा, देखो कितने खुश हुए हैं मुझे देखकर, तो खाना खिलाते हैं बेचारों को। अब चल रहे हैं हम सोने, देखो ये प्लूटो भी आराम से लेट चुका है, और भाई प्लूटो सिंह क्या हाल चाल है, ओह नींद आ रही है बच्चे, नींद आ रही है प्लूटो को, तो पपीस को देखते हैं क्या कर रहे हैं पपीस, ओए आराम से नींद ले रहे हो भाई, अभी वाह तो आराम से सो रहे हो, चलो अब हम भी सोते हैं, चलो भाई गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।